दोस्तों, कई बार होता यह है कि आप 3D म्यूजिक सुनने के लिए आपका बहुत से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो कि वर्क नहीं करते हैं ना दोस्तों, लेकिन आप अपने ही जो आपके मोबाइल में बेसिक म्यूजिक प्लेयर आता है उसमें भी बहुत से सेटिंग होती हैं दोस्तों। उसमें भी आप 3D आप कोई भी कैसे भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं ना दोस्तों। आप उसमें किसी भी प्रकार का सॉन्ग में चेंज कर सकते हैं, आप उसकी आवाज़ पतली कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, धीमी कर सकते हैं, मोटी कर सकते हैं, आप 3D में सुन सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती होगी दोस्तों। आपके म्यूजिक प्लेयर के ही कुछ ऐसे बटन हैं जिनके बारे में आप एक बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप म्यूजिक प्लेयर के बटन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। मेरा नाम सुरेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुरेश चंदेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले खोलना होगा आप अपना म्यूजिक प्लेयर। ये खोला मैंने अपना म्यूजिक प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर में खोलने के बाद आपको आना है अपने प्लेयर में। ये आ गए आप अपने प्लेयर में दोस्तों। प्लेयर में आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आपको बहुत से सॉन्ग मिल जाए, बहुत सी बटने मिल जाएंगे जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं एक एक के बारे में आपको यहाँ से बताऊंगा कि इनका क्या काम होता है और ये कैसे वर्क करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आता है ये आपको एरो में दिख रहा होगा दोस्तों, इसका काम ये होता है अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इसमें एक बन जाता है दोस्तों। जैसे ये गाना चल रहा है तो आप बार बार, अगर आपका कोई गाना चेंज हो जाता है आप बार बार उसी को सुनना चाहते हैं तो आप इसमें एक बार कर दीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते एक को और सभी को करना चाहते हो तो आप रिपीट ऑल में क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये सब एक गाना एक ही बार सुनना चाहते हो, आप ऑटोमेटिक चेंज हो, तो आप इसमें इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है दिल। दिल में आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपको यहाँ अगर आपका कोई गाना फेवरेट है, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप उसे यहाँ से फेवरेट में जोड़ सकते हैं। आप सिंपली अगर आपका कोई सॉन्ग, अगर बहुत से आप सॉन्ग यूज़ करते हैं, अगर आप फेवरेट कोई सॉन्ग कर देते हैं तो एक ऑटोमेटिक एक अपना फोल्डर बना लेता है जिससे वो फेवरेट सॉन्ग उस अलग से फोल्डर में हो जाता है, जिससे आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके बाद आता है मेन पॉइंट जो कि ये एक बटन होता है। इसमें आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि रियल HD साउंड दोस्तों, अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो आपको वो क्लियर नहीं आवाज़ सुनाई देगी ईयरफोन में, है ना दोस्तों। नॉर्मल अगर आप बिना ईयरफोन के सुनते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप ईयरफोन में 3D सुनते हैं, आप जानते होंगे कि आप 3D सॉन्ग सिर्फ ईयरफोन में ही सुन सकते हैं, तो आपको इसको कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे, जिस हिसाब से आपको सॉन्ग सुनना हो उस हिसाब से आप यहाँ से इनमें क्लिक कर सकते हैं। आपको उसको बस स्वाइप करना है और ये ऑटोमेटिक उसमें चेंज होता जाएगा, आप कोई भी यहाँ से इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ट्रिबल डॉट। ट्रिबल डॉट आपको एक ऊपर भी मिल जाएगा और एक नीचे भी मिल जाएगा, तो आपको आना होगा नीचे वाले में। नीचे वाले में अगर आप देखते होंगे कि आपको अगर कोई गाना बहुत पसंद होता है और आप उसे कॉलर ट्यून बनाना चाहते हैं तो आपको आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। आप सेटिंग में जाते हैं, फिर वहाँ से प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल में जाके आपको ये बहुत से चेंज करने पड़ते हैं और फिर आपको सॉन्ग ढूंढना पड़ता है। अब दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आइए ट्रिबल डॉट में। ट्रिबल डॉट में आने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट टू वो सेट एज रिंगटोन। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, आप जैसे इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका ये सॉन्ग आपका रिंगटोन में सॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आप यहाँ इसके डिटेल देख सकते हैं, गाना भी भेज सकते हैं। अगर आप इसे किसी और प्लेलिस्ट में जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे ऐड प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस सॉन्ग को डिलीट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करके सभी को बताना। और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।